Uh, सबसे पहले तो सबसे अच्छी जो टीम अभी तक खेली है वो मुल्तान सुल्तान खेली है और जो टीम मतलब अभी तक अच्छा नहीं खेली है वो कराची है क्योंकि उनके पास प्लेयर्स भी नहीं अभी और आमिर भी इंजर्ड है तो और मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है रिजवान बहुत अच्छी कैप्टनसी करते हैं कोयटा की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं रही क्योंकि उसके बॉलर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉलिंग में प्रेशर आ रहा है और बैटिंग जो बैटिंग लाइन उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है नहीं वैसे मेरी फेवरेट टीम कराची किंग्स है लेकिन होता है क्रिकेट ये गेम है क्रिकेट का पार्ट होता है जीत इनशाला कम बैक करेंगे वो कुछ प्लेयर्स की कमी थी और बॉलर्स की कमी थी जो आमिर और क्रिस जॉर्डन के आने से हो चुकी है बस में एक मिडिल ऑर्डर बट्समैन और चाहिए उसमें कराची का इनशाला कम बैक अच्छा करेगी मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है लेकिन कराची की भी दिल होता है क्योंकि कराची में रहने वाले हैं लेकिन कराची का भी अभी बॉलर्स की और जितना कमी है कि इस आमिर भी इंजर्ड हो गया है जॉर्डन भी नहीं है और विकेट कीपर भी नहीं है बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी सही नहीं है तो उस पर बहुत प्रेशर में है और नहीं खेल पा रहे लेकिन इन उम्मीद तो है कि कम करेंगे अच्छा इन कराची किंग्स अच्छा खेलेगी ये बाबर और शहजील को शुरू से अगर लेकर चलेंगे तो फिर इनकी टीम भी अच्छा खेलेगी इनको चाहिए कि अपना टारगेट जो है रनड्रेड वो थोड़ा बेहतर करें जब बाबर अच्छा खेलेगा तो फिर बाकी सारे खिलाड़ियों को भी उम्मीद आ जाएगी तो फिर वो भी अच्छा खेलेंगे मेरी फेवरेट टीम कोयटा ग्लाटेटर है और वो लैग है वो उनकी बॉलिंग लाइन सही नहीं है तो यही वजह है मेरी फेवरेट टीम कराची है और कराची इस वजह से नहीं दे पा रही कि उनकी जो मतलब टीम वर्क सही नहीं हो रहा होगा मतलब सब एग्जैक्टमेंट सही नहीं हो रही या खेलने सही हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे फेवरेट प्लेयर भी है बाबर आजम भी है टीम में और मैं उसको ही फॉलो करता हूँ मेरी फेवरेट टीम कोयटा गिली टेटर से उसकी दरअसल जो है ना फील्डिंग थोड़ी सही नहीं हो रही है कोयटा के बॉलिंग भी अच्छी है बैटिंग लाइन भी अच्छी है उनके शुरू के दो ओपनर भी अच्छे हैं तो बस फील्डिंग पर थोड़ा ध्यान देता हूँ शायद थोड़ा मेटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मैंटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें